जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जिला चंबा के सुल्तानपुर और सलूनी के हेलीपैडों में भी उतरेंगे बड़े हेलीकॉप्टर। सुल्तानपुर और सलूनी के हेलीपैडों में भी बड़े हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने को लेकर पर्यटन विभाग ने कमर कस ली है। इसके तहत दोनों हेलीपैडों को टर्मिनल बनाने की कवायद आरंभ की गई है, जिसे लेकर जिला पर्यटन विभाग ने पर्यटन मंत्रालय को उड़ान योजना के तहत प्रस्ताव बनाकर भेजा है। प्रस्ताव का अनुमति मिलने पर कुल खर्च संबंधी आकलन तैयार कर स्वीकृति को भेजा जाएगा। कुल मिलाकर जिला मुख्यालय चंबा और सलूनी में हेलीपोर्ट बनने से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि इसका उद्देश्य वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पेश आ रही मंदी को देखते हुए प्रदेश सरकार और प्रशासन की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए साधन उपलब्ध करवाना है। हिमाचल में मौसम खुला पर दुश्वारियां बरकरार। भारी बर्फबारी से 754 सड़कें और 2442 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, कहर बनकर टूट रहे पेड़। हिमाचल प्रदेश में दो दिन भारी बर्फबारी के बाद आज मौसम तो खुल गया है, लेकिन दुश्वारियां बढ़ गई है। 6 जिलों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। शनिवार सुबह राजधानी शिमला का सड़क संपर्क अन्य भागों से कटा रहा। बर्फ वाले ग्रामीण व दूर दराज भागों में बिजली आपूर्ति ठप है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार सुबह प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे, 1 स्टेट हाईवे समेत 754 सड़कों पर आवाजाही ठप थी। वहीं प्रदेश में 2442 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित बंद है। 196 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही है। निजी और सरकारी 550 से ज्यादा बस रूट ठप है। हालांकि कालका शिमला रेल सेवा नियमित रूप से चल रही है। सबसे ज्यादा 303 सड़कें शिमला जिले में ठप है। मंडी में 100, लाहौल स्पीति 119, कुल्लू 96 और चंबा में 88 सड़कें अवरुद्ध है। इस माह से राशन डिपो में मिलेगी रोजमर्रा की सस्ती वस्तुएं। हिमाचल प्रदेश की जनता को इस महीने से ही डिपो में राशन के अलावा अन्य रोजमर्रा की सस्ती वस्तुएं भी मिलेगी। यह सामान बाजार मूल्य की अपेक्षा 15 से 20 रुपए तक सस्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम का कंपनियों से MOU होने के बाद गोदामों में रोजमर्रा वस्तुओं की सप्लाई पहुँच गई है। 1-2 दिन के भीतर इसके दाम तय होने हैं। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में अभी साबुन, विम बार और डिटर्जेंट पाउडर पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में समय 19,20,000 राशन कार्ड धारक है। इन्हें प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें 3 दालें, 2 लीटर तेल, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और 1 किलो आयोडीन नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है। खाई में लुढ़की गाड़ी, चालक की मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मणिकरण घाटी के सरसाड़ी में एक गाड़ी गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में गाड़ी के चालक गोपाल पुत्र ज्ञानचंद निवासी गांव हैसी राशरण डाकघर जलूंगा जिला कुल्लू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्जी IG बन उद्यमियों से 1.49 करोड़ की गैरकानूनी वसूली। फर्जी IG बनकर एक शातिर आरोपी ने काला अंब, बद्दी, नालागढ़ और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में साथियों के साथ उद्योगपतियों से 1.49 करोड़ की अवैध वसूली की है। फर्जी IG औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा करता था तो हरियाणा पुलिस के वर्दीधारी और सशस्त्र पुलिस कर्मचारी भी गैरकानूनी रूप से उसके साथ जाते रहे। ऐसा इसलिए किया गया जिससे किसी को फर्जी IG पर शक ना हो। उधर मामले की जांच के लिए DGP संजय कुंडू ने SIT का गठन कर दिया है। इस घटनाक्रम को लेकर CID के भराड़ी स्थित थाने में मुख्य आरोपी विनय अग्रवाल के खिलाफ IPC की धारा 170, 419, 383 और 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार इसके पीछे ऐसा गिरोह हो सकता है जिसकी कई कड़ियां हो सकती है। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम रोहित मालपानी की अध्यक्षता में SIT गठित की गई है। लाहौल के तांदी से जम्मू बॉर्डर तक डबल लेन होगी 140 किलोमीटर सड़क। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थित तांदी से जम्मू बॉर्डर तक 140 किलोमीटर लंबी सड़क को डबल लेन करने की तैयारी शुरू हो गई है। हिमाचल से जम्मू कश्मीर बॉर्डर तक यह पहली डबल लेन सड़क बनेगी। सीमा सड़क संगठन के उच्च अधिकारियों ने इसकी तमाम जानकारी केंद्र सरकार को पत्राचार के माध्यम से दे दी है। BRO के चीफ इंजीनियर ने भी कई बार सड़क का निरीक्षण किया है। अब तांदी संसारी नाला
सड़क डबल लेन बनाने के लिए केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। बता दें कि यह सड़क तांदी जीरो पॉइंट से हिमाचल को जम्मू और दूसरी ओर सरचू तथा मनाली को भी जोड़ती है। अभी तांदी उदयपुर किलाड़ होते हुए हिमाचल की सीमा संसारी नाला तक सड़क वन वे है और तांदी से आगे किलाड़ की तरफ मार्ग संकरा और जोखिम भरा है। सड़क डबल लेन बनने से कश्मीर जाने वाले सैलानी हिमाचल की खूबसूरत वादियां निहारने आ सकेंगे। साथ इस मार्ग से दूसरी तरफ हिमाचल सीमा सरचू होते हुए लेह लद्दाख और तांदी से मनाली की ओर भी आवाजाही कर सकेंगे। जिला सिरमौर में 21 छात्र कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में करवा रहे सभी संक्रमित इलाज। जिला सिरमौर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। अब स्कूली बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए जाने लगे हैं। जनवरी माह से अब तक 103 छात्र कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि वर्तमान में 21 छात्र कोरोना से संक्रमित अपना इलाज करवा रहे हैं। कार्यवाहक सीएमओ सिरमौर डॉक्टर निसार अहमद ने बताया कि जिला सिरमौर में वर्तमान में 21 छात्र कोरोना पॉजिटिव है, जो होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। लगातार बच्चों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के मामलों में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में 103 छात्र कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान निरंतर स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन से पहले छात्रों के कोरोना सैंपल भी लिए जाते हैं, जिनमें बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले बढ़े हैं। काला अम्ब में आबकारी विभाग की गैरकानूनी ईएनएक्स की सप्लाई पर बड़ी कार्रवाई। आबकारी एवं कराधान विभाग ने आज औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब के तहत एक फार्मा इकाई में छापेमारी की, जहां जांच के दौरान न तो कागजात पाए गए और न ही यहां मानकों के तहत कोई कार्य होता दिखाई दिया, जिसके बाद विभाग की टीम ने फार्मा इकाई के खिलाफ पुलिस थाना काला अम्ब में मामला दर्ज करवाया है। नाहर में मीडिया से रूबरू होते हुए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त उज्ज्वल सिंह राणा ने कहा कि जिला मंडी स्थित गोवर्धन बाटलिंग प्लांट में निरीक्षण के दौरान पाई गई नियमितताओं को कड़ियों को जोड़ते हुए और ऑनलाइन डाटा के द्वारा ईवे बिलों की जांच करते हुए विभाग काला अम्ब स्थित एक औद्योगिक परिसर एडेज फॉर्मुलेशन में छापेमारी की है। फरार सप्लायर अयोध्या से गिरफ्तार, दोस्त के ट्रक से जा रहा था गुवाहाटी। जहरीली शराब मामले में फरार एक सप्लायर को विशेष जांच दल ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या से गिरफ्तार किया है। आरोपित रविंदर उर्फ रवि सुंदरनगर हल्के के सलापड़ का रहने वाला है। वह 19 जनवरी से फरार था। रवि अपने एक दोस्त के ट्रक से गुवाहाटी जा रहा था। एसआईटी ने मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर उसे वीरवार शाम अयोध्या के समीप चलते ट्रक में पकड़ा। आरोपित को एसआईटी ने शुक्रवार को सुंदरनगर की एक अदालत में पेश किया। अदालत से उसका 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। रवि सलापड़ व कांगू क्षेत्र में शराब की सप्लाई करता था। एसआईटी को जांच में बीबीएन के फार्मा उद्योग से कई अहम सुराग मिले हैं। भूकंप के झटकों से हिली हिमाचल की धरती, शिमला क्षेत्र में ज्यादा महसूस हुए झटके। हिमाचल प्रदेश में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला सहित कई अन्य क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके कारण किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप शनिवार सुबह 3:15 पर आया और इसका केंद्र उत्तरकाशी में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.60 मापी गई। अभी 10 दिन पूर्व चंबा व कांगड़ा के शाहपुर सहित अन्य क्षेत्रों में भूकंप व कांगड़ा के शाहपुर सहित अन्य क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश भूकंप के लिए अति संवेदनशील है और इसे जोन 4 और 5 में रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार भूकंप के झटके आने से बड़े झटकों की संभावना कम हो जाती है, इससे फायदा ही होता है।